हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीके कर। आई एम प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एट इकोनॉमिक क्लिनिक गुरुग्राम। आज हम बात करेंगे बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट क्या है और क्यों किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए मेन डोनर एरिया स्कैल्प रहता है। कई बार एडवांस बॉल्डनेस हो या डोनर एरिया वीक हो तो हमें एडिशनल डोनर एरिया की जरूरत होती है, जिसके लिए हम बॉडी हेयर यूज करते हैं। बॉडी हेयर के अंदर दो मोस्ट कॉमन डोनर एरियाज हैं, बियर्ड या चेस्ट। बॉडी हेयर जनरली प्रेफर्ड डोनर एरिया नहीं है। बॉडी हेयर एक सेकेंडरी डोनर एरिया है और इसको उसी कंडीशन में यूज करना चाहिए जब स्कैल्प डोनर हेयर इनएडिक्वेट हो या उससे ज्यादा की जरूरत हो जो हम स्कैल्प से नहीं मिल पा रहे। अब बॉडी डोनर एरियाज के अंदर भी डिफरेंट एरिया का डिफरेंट सक्सेस रेट है। बियर्ड बॉडी हेयर के अंदर बेस्ट डोनर एरिया है। इसका सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट स्कैल्प हेयर को मैच करता है। हेयर भी थिक होते हैं और इनका मैचिंग स्कैल्प हेयर से काफ़ी है। लेकिन बियर्ड के अंदर एक लिमिटेशन है कि बियर्ड के अंदर हम अग्रेसिवली हार्वेस्ट नहीं करना चाहते। जनरली हम चिन के नीचे से हार्वेस्ट करते हैं। कई बार कुछ केसेस में अगर बियर्ड की डेंसिटी काफ़ी अच्छी हो तो हम साइड से भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। बियर्ड हमें 500 टू 1000 तक ग्राफ्ट दे सकती है। अगर एक्सेप्शनल डेंसिटी हो तो इससे ज़्यादा भी ग्राफ्ट मिल सकते हैं। अब चेस्ट के अंदर एक और डोनर एरिया अवेलेबल है। इसकी सर्वाइवल रेट बियर्ड हेयर से कम है, काफ़ी कम है और प्रडिक्टेबिलिटी भी कम है इसलिए। लेकिन चेस्ट का एडवांटेज है कि इसमें हम अग्रेसिवली हार्वेस्ट कर सकते हैं। फिर अगर बॉडी हेयर अवेलेबल है तो इनको जनरली ये प्रेफर्ड चॉइस क्यों नहीं है, इसके दो रीजन है। नंबर वन, टेक्सचर ऑफ हेयर इज डिफरेंट देन स्कैल्प। स्कैल्प से डिफरेंट टेक्सचर है इसलिए इनको हेयर लाइन में यूज नहीं किया जा सकता। इनको जनरली फिलिंग करने के लिए या मिक्स करके स्कैल्प हेयर के साथ ही रिसिपिएंट एरिया में इम्प्लांट किया जाता है। दूसरा है कि इनके पर्टिकुलरली चेस्ट हेयर या अदर बॉडी पार्ट्स जो हेयर हैं उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी सर्वाइवल रेट को लेके इशू हो सकता है। सो इसलिए बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट इज ए गुड चॉइस इफ यू आर इनएडिक्वेट इन योर स्कैल्प डोनर एरिया। सो स्कैल्प डोनर एरिया जब एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हो, तो बॉडी हेयर काफ़ी यूजफुल हो सकता है। ये स्लो प्रोसेस है, इसको करने में समय स्कैल्प से ज़्यादा लगता है और इसके लिए आपको एडिशनल डे या एडिशनल सेशन की जरूरत हो सकती है। सो इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज रिगार्डिंग बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट, प्लीज गेट इन टच विद अस। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।